बीसीसीआई ने घोषित किया भारत श्रीलंका, भारत इंग्लैंड और भारत साउथ अफ्रीका टी20 सीरीज का नया शेड्यूल। इन 18 खिलाड़ियों को दिया टीम इंडिया में मौका। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर हमारे चैनल धाकड़ क्रिकेट में। बीसीसीआई ने भारतीय टीम की आने वाली 3 टी20 सीरीज का ऐलान कर दिया है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम जानेंगे भारतीय टीम की तीनों टी20 सीरीज का पूरा शेड्यूल कि आखिरकार ये मुकाबले कितनी बजे शुरू होंगे और कौन कौन से मैदान पर खेले जाएंगे। इसके अलावा दोस्तों, हम जानेंगे भारतीय टीम के उन खिलाड़ियों के बारे में जो कि इस टी20 सीरीज में हमें खेलते हुए नजर आने वाले हैं, यानी कि इन तीनों टी20 सीरीज से जुड़ी हुई तमाम जानकारी हम आपको इस वीडियो में देंगे। तो दोस्तों, बने रहें वीडियो के पूरे आखिर तक, और साथ ही अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लें, और साथ ही साथ इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर कर दें अगर आप भी चाहते कि टीम इंडिया इन तीनों टीमों के खिलाफ टी20 सीरीज जीते। तो इस वीडियो का लाइक टारगेट हमने रखा है मात्र 200 लाइक, तो जल्द से जल्द इस टारगेट को पूरा करें। तो दोस्तों, तीनों टी20 सीरीज में टीम इंडिया की तरफ से कप्तानी करते हुए नजर आएंगे रोहित शर्मा, तो वहीं पर टीम के उपकप्तान रहने वाले हैं KL राहुल। लेकिन दोस्तों, अब हम जान लेते हैं पहले शेड्यूल के बारे में। तो दोस्तों, सबसे पहले टी20 सीरीज खेली जाएगी श्रीलंका के खिलाफ, जहां पर टीम इंडिया को 3 टी20 मुकाबले खेलने हैं और ये तीनों टी20 मुकाबले भारतीय होम ग्राउंड पर ही खेले जाने हैं, यानी कि ये सीरीज भारत में ही होगी। जिसका पहला टी20 मुकाबला मोहाली में खेला जाएगा, जो कि खेला जाएगा 13 मार्च को 7 बजे शाम के भारतीय समय अनुसार। इसके बाद दूसरा टी20 मुकाबला श्रीलंका के खिलाफ धर्मशाला में खेला जाएगा, जो कि 15 मार्च को खेला जाएगा। ये मुकाबला भी शाम 7 बजे शुरू होगा। वहीं पर तीसरा व आखिरी मुकाबला लखनऊ में खेला जाएगा, ये मुकाबला भी शाम के 7 बजे शुरू होगा और ये मुकाबला 18 मार्च को खेला जाएगा। यानी कि भारत और श्रीलंका के बीच 3 मुकाबलों की टी20 के सभी मुकाबले शाम को 7 बजे ही शुरू होंगे। वहीं पर दोस्तों, इसके बाद हम बात करते हैं साउथ अफ्रीका का भारत दौरा की। साउथ अफ्रीका भारत में आकर 5 टी20 मुकाबले खेलेगी, जिसका पहला टी20 मुकाबला चेन्नई में खेला जाना है, जो कि 9 जुलाई को खेला जाएगा भारतीय समय अनुसार शाम के 7 बजे। इसके बाद दूसरा टी20 मुकाबला खेला जाएगा बेंगलुरु में, यह मुकाबला 12 जून को खेला जाएगा और यह मुकाबला भी शाम के 7 बजे ही शुरू होगा। इसके बाद तीसरे टी20 मुकाबले की बात करें तो यह मुकाबला नागपुर में खेला जाएगा, जो कि 14 जून को खेला जाएगा, यह मुकाबला भी शाम के 7 बजे ही शुरू होगा। जबकि चौथे टी20 मुकाबले की बात करें तो यह मुकाबला राजकोट में खेला जाना है, यह मुकाबला 17 जून को खेला जाएगा शाम के 7 बजे। तो वहीं पर पांचवा व आखिरी टी20 मुकाबला दिल्ली में खेला जाएगा, यह मुकाबला 19 जून को खेला जाएगा, जो कि भारतीय समय अनुसार शाम के 7 बजे शुरू होगा। यानी कि साउथ अफ्रीका के खिलाफ टीम इंडिया 5 मुकाबलों की टी20 सीरीज खेलेगी और ये पांचों टी20 शाम के 7 बजे शुरू होंगे। वहीं पर दोस्तों, साउथ अफ्रीका के खिलाफ सीरीज समाप्त होने के बाद टीम इंडिया सीधे पहुंचेगी इंग्लैंड, जहां पर पहला टी20 मुकाबला भारतीय टीम साउथहैम्पटन में खेलेगी। 7 जुलाई को यह मुकाबला खेला जाएगा भारतीय समय अनुसार 11 PM पर रात के समय में। वहीं पर दूसरा टी20 मुकाबला खेला जाएगा शाम के 7 बजे भारतीय समय अनुसार ब्रिमिंगम में, यह मुकाबला 9 जुलाई को खेला जाएगा। वहीं पर तीसरा व आखिरी टी20 मुकाबला टीम इंडिया का नॉटिंगम में खेला जाएगा, यह मुकाबला 10 जुलाई को खेला जाएगा और यह मुकाबला शुरू होगा भारतीय समय अनुसार 11 PM पर। यानी कि हमें लगातार 2 दिन 2 मुकाबले देखने को मिलेंगे। इसके बाद टीम इंडिया 3 ODI मुकाबले भी खेलेगी इंग्लैंड में, जहां पर पहला ODI मुकाबला खेला जाएगा लंदन में, जो कि खेला जाएगा 12 जुलाई को दोपहर 3:30 पर। इसके बाद दूसरा मुकाबला भी लंदन में ही खेला जाना है, जो कि 14 जुलाई को खेला जाएगा भारतीय समय अनुसार 5:30 PM पर। और इसके बाद तीसरा व आखिरी ODI मुकाबला मैनचेस्टर में खेला जाएगा, जो कि 17 जुलाई को खेला जाएगा, यह मुकाबला शुरू होगा भारतीय समय अनुसार 5:30 पर PM पर, यह मुकाबला यानी कि इसे शाम को लाइव देख सकेंगे। वहीं पर चले दोस्तों, अब हम जानते हैं कि आखिरकार इन सभी टी20 मुकाबलों के लिए टीम इंडिया के 18 खिलाड़ी कौन कौन से होने वाले हैं इसके बारे में। तो सबसे पहले आपको बता दें कि हार्दिक पांड्या की इस टी20 सीरीज में वापसी होगी, जो कि काफी समय से टीम इंडिया से बाहर चल रहे हैं, लेकिन उनकी वापसी होती हुई दिखने वाली है। वहीं पर दोस्तों, भारतीय टीम में बल्लेबाजों की हम बात करें तो रोहित शर्मा कप्तान, तो KL राहुल उप कप्तान, इसके बाद तीसरे बल्लेबाज ईशान किशन, चौथे विराट कोहली, पांचवे श्रेयस अय्यर, छठे सूर्य कुमार यादव और सातवें ऋषभ पंत रहने वाले हैं। वहीं पर दोस्तों, ऑलराउंडर की हम बात करें तो यहां पर हमें खेलते हुए नजर आएंगे अक्षर पटेल, हार्दिक पांड्या और वाशिंगटन सुंदर के साथ साथ रविंद्र जडेजा भी। वहीं पर स्पिन गेंदबाजी में हम युजवेंद्र चहल को देखेंगे, तो साथ ही साथ रवि बिश्नोई को देखने वाले हैं। वहीं पर तेज गेंदबाजी में हम भुवनेश्वर कुमार, मोहम्मद शमी, जसप्रीत बुमराह, दीपक चहर और शार्दुल ठाकुर को देखने वाले हैं। यानी कि देखा जाए तो टीम इंडिया की यह स्क्वाड काफ़ी मजबूत है और तब तक ये तय हो जाएगा
कि टीम इंडिया की तरफ से वर्ल्ड कप की स्क्वाड क्या रहने वाली है, क्योंकि टीम इंडिया वर्ल्ड कप की तैयारी के तहत ही इन सीरीज में अपने प्लेयरों को उतारने वाली है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, इन तीनों टीमों के खिलाफ टीम इंडिया सीरीज जीत पाएगी? हमें अपनी राय कमेंट में जरूर दें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों वीडियो को पूरा देखने के लिए आप सभी का।